यहाँ एक वर्कशॉप चल रहा है जो हमें इनवाइट किया यूनिसेफ ने कि रेडियो सेविंग लाइफ जो वर्कशॉप है 2 days का, यहाँ मैं इनवाइटी हूँ। और यहाँ आने के बाद हमें काफ़ी कुछ किस तरह से हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के समय किस तरह से कर सकते हैं, रिस्क रिडक्शन कर सकते हैं, उसके ऊपर ये वर्कशॉप चली है। हमें बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। 2018 সালের ডিসেম্বর মাসের 27 ও 28 তারিখে ইউনিসেফ ও রেডিও পার্টনারের সাথে যৌথ উদ্যোগে সারা ভারতবর্ষের রেডিও সাংবাদিকদের নিয়ে রেডিও সেভিং লাইফের ওপর উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল একটি কর্মশালা। এই কর্মশালায় যোগদান করেছিলেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের রেডিও সম্প্রচারকরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, মণিপুর, রেডিও মির্চি, কমিউনিটি রেডিও, আকাশবাণী ও আরও অন্যান্য সব রেডিও পার্টনাররা যোগদান করেছিলেন এই কর্মশালায়। এই কর্মশালার উদ্যোক্তা ও অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে তাদের মূল্যবান বক্তব্য রেখেছিলেন শ্রী বিষ্ণুপদ শেট্টি, আইএএস। অল ইন্ডিয়া রেডিও থেকে ছিলেন শ্রী রাজীব কুমার শুক্লা, ইউনিসেফ দিল্লি থেকে ছিলেন অন্নপুরী ও আরও অনেকে। প্রত্যেকের বক্তব্য থেকে এই কথাই উঠে এসেছে যে ডিজাস্টারের সময় আগে ও পরে জনসমাজে রেডিওর সতর্ক বাণী কীভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে আপদকালীন বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে। কর্মশালায় যোগদানকারীদের মুখ থেকে উঠে এসেছে আরও অনেক কথা। রেডিও সেভিং লাইফস, ইস ওয়ার্কশপ কা মেন অবজেক্টিভ হ্যায় কি রেডিও প্রোডিউসার্স কিস তরহ সে মদদ কর সকতে হ্যায় ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন, ইয়ানি আপদা কে সময় জো রিস্ক হোতে হ্যায়, जो मुसीबत होती है उसमें हम किस तरह से कमी ला सकते हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यशाला इसलिए है क्योंकि इसमें हर किस्म की आपदा को टच किया गया है। हालांकि हमारा मेन फोकस फ्लड यानी बाढ़ पर है, लेकिन इसके अलावा हम बाकी जो हैजार्ड्स हैं उन पर भी बातचीत कर रहे हैं। और अगर फ्लड की बात करें तो जिन 4 राज्यों के लोग यहाँ आए हैं, जैसे आसाम हुआ, बंगाल या बिहार जहाँ से मैं हूँ, या पूर्वोत्तर के जो आए हैं लोग यहाँ पर, उन सब राज्यों में कभी न कभी बाढ़ की विभीषिका आती रही है। उड़ीसा में भी। तो इससे बचने के लिए और इसके पूर्व क्या तैयारी की जा सकती है, बाढ़ आने से पहले, बाढ़ के दौरान और बाढ़ के बाद, इन तीनों स्थितियों में उस क्षेत्र के लोगों को आपदा के पूर्व क्या तैयारी हम कर सकते हैं, और एज ब्रॉडकास्टर कार्यक्रम निर्माण करते समय हम किन बातों का ध्यान रखें ताकि उन लोगों को भी इस दुख की घड़ी में हम कुछ समझा सकें, कुछ राहत दे सकें, कहाँ से उनको राहत मिल सकती है इसके बारे में बता सकें। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसके बारे में हम काम कर रहे हैं और जिसके बारे में हम बता रहे हैं। कर्मशाला योगदानकारीरा विभिन्न दले विभक्त हुए আপদকালীন সময় এবং তার আগে ও পরের পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে সতর্কতামূলক বাণী, নাটক ইত্যাদি উপস্থাপনা করেন। রেডিও কাজ কাম হতা হে তুম লোগো কা দুর্দশা বতাও ভি অর উনকি জো হালাত সুধারনে কে লিয়ে ক্যা কুছ তুম কর সকতে হো ও জো হামারা জো পহলা ডিউটি হে ও হামে ইয়াহা বতায়া জা রাহা হে कि किस तरह से हम उनके पास जाएं, उनके लाइफ को तो बचा सकते हैं, इसके साथ साथ उन्हें जो प्रोवाइड हो सकता है एटमोस हम लोग से, वो सब देने के लिए भी हम एक सहयोग का हाथ उन्हें बढ़ाएं, एक जीने का सहारा उनके लिए बने, ये हमें बताया जा रहा है इस प्रोग्राम में। इस वर्कशॉप से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला क्योंकि यहाँ आकाशवाणी के अलावा कम्युनिटी रेडियो, प्राइवेट FM, हैम रेडियो, इन सारे जगह के प्रतिनिधि आए हैं, यानी कहा जाए तो पूरी रेडियो बिरादरी यहाँ पर उपस्थित है। और मुझे उम्मीद है कि जब मैं लौट कर जाऊँगी तो मेरे प्रोग्रामिंग में ये हमेशा से आ जाना चाहिए कि डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन अपने एरिया के लोगों के लिए हम अपने प्रोग्राम के थ्रू, प्रोग्राम के द्वारा कैसे कर सकते हैं।